साफ है, बड़ा शोर मचा रहे थे। बेंगलोर में लोग बंधक बनाए गए, बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है, और सबने खुल के आज देश के सामने अपनी बात रखी है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर, भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा। अगर बहुमत में हो तो भाग क्यों रहे हो? आईवी से नीचे कर लो माइक। फ्लोर टेस्ट से डरते क्यों हो? आईडी नीचे रखे भाई, चेहरे पे ये टाइम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव प्रलोभन देके ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बच जाए, लेकिन अब ये सरकार बच नहीं सकती। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सशरीर गवर्नर साहब के सामने परेड की है, संख्या का गणित स्पष्ट है, ये सरकार बहुमत खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज उपलब्ध विधानसभा की संख्या के हिसाब से अब बहुमत में है, इसलिए फ्लोर टेस्ट एकमात्र तरीका है। आईवीसी नीचे कर लो यार, ये सरकार जाएगी, मुंह पे जा रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, ये अल्पमत की सरकार रोज फैसले कर रही है, कल महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी, उसके पहले पीएससी में सदस्य नियुक्त कर दिए। क्या जो सरकार अल्पमत में है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिसको विश्वास मत प्राप्त करने का आदेश दिया है, एक बार नहीं दो दो बार दिया है, कल करना था नहीं किया, भाग गए, आज करो, लेकिन बेशर्मी की हद होती है। जाते जाते जितना उपकृत कर दो लोगों को उपकृत कर दो, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी में कमीशन में चेयरमैन बनाने की साजिश की जा रही है। अरे भैया, ये काम अब दूसरों को करने, भगते भगते जितना चाहे उपकृत कर लो, ये उनकी बदहवासी को दर्शाते हैं, नहीं तो जल्दी क्या है भैया। और ये भी अवैधानिक कृत्य वो कर रहे हैं, और इसके लिए भी हम गवर्नर साहब को पत्र लिखेंगे।